वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हो व्लॉग बाजार की एक और फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, ये जितनी भी आपने अभी तक प्रीवियस जितनी भी मेरी वीडियो देखी है कार लिवास अर्टिका किंग के साथ, उन जितनी वीडियो में ना, ये सारी वीडियो पे ये वाली वीडियो जो है ना, ये भारी पड़ने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो मार्केट में नई चीज लेके आए हैं, दूसरा इन्होंने ये काम जो है अपनी ही गाड़ी में किया और ओनली वन इन इंडिया रहने वाली है गाड़ी। अब इसका जो रिवील है ना, वो करेंगे खुद अपने अर्टिगा के। अभी थोड़ा करना, तो वीडियो में दिखाओगे यार, ऐसे नहीं दिखा। नहीं, ऑलरेडी थंबनेल पे जाए लोग देख चुके हैं। तो जो सबसे पहले क्या है कि ओनली वन इन इंडिया का जो मैंने आपको बताया कि वैगन आर जो है वो रहने वाली है, इसके अंदर तमाम वो चीजें हैं जो एक वैगन आर के अंदर बंदा सोचता है। पूरा इंटीरियर मॉडिफाइड है, साथ ही साथ रूफ को भी हमने किया और साथ ही साथ सनरूफ भी इसमें लग गई है। सनरूफ भी लग गई है, टू डोर में इसका स्टीयरिंग भी लग गया, फ्रंट में फॉग लाइट्स लगी हुई है, जो बेसिक मतलब इस सीएनजी वाले मॉडल के अंदर इतने बजट के अंदर जो गाड़ी है ये, उसके अंदर जो जो मजा लेना है ना, वो मैंने सब इसके अंदर डाल दिया, ऑलमोस्ट वो सब डाल दिया, सारा डाल दिया। और नया कुछ करूंगा, मतलब पीछे दो तीन चीजें रह गई हैं, पावर विंडो की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है मुझे, होती मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास, बट जो रिक्वायरमेंट थी सनरूफ की मुझे, वो मैंने बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि भाई अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले, सो आज वो मैंने इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं गाड़ी के पास और चलते हैं, देखते हैं किस तरीके रहने वाले वीडियो करते हैं। सो गौरव भैया, मतलब ये अभी तक हम दूसरी गाड़ियों में काम करते थे, आज खुद की गाड़ी में काम किया और स्पेशली जो है इस गाड़ी को हम जो थंबनेल में लोगों ने देखा है, फीचर माय कार जो एक हमारा सेगमेंट है, उसमें हम ये गाड़ी लेके आए हैं। और भाई सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये रहने वाली है वैगन आर, ठीक है, जैसे कि लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। और भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका सीट्स, ये सीट देख रहे हो भाई, क्या जबरदस्त सीट है। मतलब अभी तक कोई ऐसी वैगन आर दिखी नहीं है जिसमें इस तरीके के सीट कवर है, एक से एक स्टिचिंग देख लो यार। मतलब मेरे को लगता है शायद भैया इसका रिव्यू भी जो हम लोग 6 महीने बाद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने पूरी टेस्टिंग के साथ इस सीट कवर को यूज़ किया, उसके बाद जो है हम रिव्यू लेके आए हैं। और ये भैया मतलब ये हाथ फोल्ड, ठंड लग रही है क्या आपको? बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो एक बार मैं लोगों को दिखा भी देता हूँ ये ठंड किस चीज़ की है। नहीं ठंड मत करो यार, ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस, ये है स्टीयरिंग। अभी तक की किसी भी वैगन आर में कोई भी ऐसी मतलब ऐसा स्टीयरिंग जो है किसी भी गाड़ी के अंदर आपको दिखेगा नहीं, स्पोर्ट्स किट के साथ है ये पूरी, चलेगा नहीं, उड़ेगा, बस अभी उड़ाना है इसको हमने, करेक्ट। और आप देख सकते हो यार इसकी फिनिशिंग देखो भाई साहब, मतलब जबरदस्त, एक नंबर फ्लैट बॉटम के साथ। और ये अपना वही स्विफ्ट वाला है स्टीयरिंग, है ये अर्टिगा वाला स्टीयरिंग है, ठीक है। और वैगन आर में तो आता ही नहीं है ऐसा, ना वैगन आर में आता है, उसमें रिंग वाला आता है, उसमें एयरबैग कंसीड उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये आर्टिका का सीरिंग लगाया, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है ये, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं होनी, कुछ नहीं होना इसके अंदर। तो हम अगर रेकमेंड चाहें कि अगर कोई बंदा अपनी स्विफ्ट के लिए, पुरानी स्विफ्ट हो गई, आर्टिका पुरानी वाली हो गई, वैगन आर हो गई, रिट्स हो गई, उस समय पुरानी वाली वैगन आर में नहीं लगता और रिट्स में भी नहीं लगता, बट एक बेसिकली नई वैगन आर के लिए कंसेप्ट है फिलहाल। और जो अगर जो बलिनो आ रही है उसमें लग सकता है, ये बलिनो में लग सकता है जी, बलिनो में लग सकता है। तो गाइस जो भी बलिनो लवर्स हैं या जो नई वैगन आर के लवर्स हैं, उसमें ये वाला स्टीयरिंग जो है लगा सकते हैं यार, इतनी अल्टीमेट, मतलब ये तो पूरा लग रहा है जैसे हम फरारी के अंदर, मतलब जो आपकी स्टीयरिंग आते हैं, या लैम्बोर्गिनी के अंदर जो आपकी स्टीयरिंग आते हैं, पूरा वो वाली फील आ रही है, बहुत ही बढ़िया जो है। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, अगर आपको ये वाला जो सेंटर पार्ट है ये वाला अगर ब्लैक चाहिए, तो वो भी भैया जो है अवेलेबल करा दें। हाँ, हाँ, प्रोसेस है उसका, मतलब मेरे पास स्टॉक में है अभी भी, ठीक है। और अब हम ये वैगन आर देखो, बेसिक जो है हमारे जो ओवरऑल जो काम भैया ने एकदम बेसिक रखा हुआ है, फुल इंटीरियर जो है वो ब्लैक आता है, बेज के साथ आता है, स्टीरियो जो है सेम अपना मोटर जॉय का लगा हुआ है, जो भैया रेकमेंड करते हैं जापानीज ब्रांड, और अपना जैपनीज ब्रांड है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा रिस्पांस जो है कस्टमर के एंड पे मिल रहा है। एक चीज भैया आप बता रहे थे, जरा एक बार जरूर बताओ। मैं इसके अंदर अभी ये न्यू लॉन्च हमने की है, 2GB रैम, 32GB मेमोरी इन बिल्ट, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री कैमरे के साथ में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 360 कैमरा, इट मींस कि ऑलरेडी इसमें आपका जो है ऐप दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसमें किट लगा के चारों तरफ के जो है आप, प्लस पॉइंट इसमें एक और है, ये 232 के अंदर वायरलेस सिस्टम है, ये वायरलेस एप्पल कारप्ले, ठीक है। यानी कि हमको कोई वायरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट किया और अपना वायर आपका लग गया, कुछ नहीं करना हमने। ये देखो पूरा लाइव डेमो के साथ दिखा रहे हैं भैया, ये रहा भैया का एप्पल फोन, और यहाँ पे भैया सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद पूरा जो फंक्शन है वो भैया का सीधा आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो मतलब आप सारे भैया के कॉन्टैक्ट हो गए, ये मेन्यू हो गया, ये देखो सारा जो है वो भैया का पूरा फंक्शन, ये वायरलेस है, कोई मैंने इसमें वायर नहीं अटैच कर रखी, कुछ नहीं कर रखा। और एंड्रॉइड में आपको जो है वो केबल लगाना पड़ता है, उसके लिए सॉकेट दिया होता है इसके अंदर हमने, ठीक है।
और इसके अंदर केबल लगा के मैं डायरेक्ट चला सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये जो 360 कैमरा है भैया, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है या सिर्फ आप व्यू कर सकते हो? व्यू कर सकते हैं सिर्फ इसमें अभी। ठीक है, इसमें सिर्फ व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं उस बवाल की तरफ, उस मतलब वो तहलका की तरफ भी, जो फर्स्ट इन इंडिया, ओनली वन इन इंडिया जो है वो वैगनआर रहने वाली है, वो है ये देखो भाई, मैं एक बार आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से ये गौरव भैया, और जबरदस्त लुक आ रही है यार। मतलब पहली वैगनआर है अभी तक की जिसमें सनरूफ है। ये भैया ने स्पेशली जो है वो मैनुअली सनरूफ लगाई है। हाँ, ये मैंने मैनुअली सनरूफ लगाई है, मेरे को मैनुअली पसंद थी, इलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ा सा स्पेस जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये उसमें तो चलो कोई निकल नहीं पाता। करेक्ट, इसमें मैनुअल के अंदर अब पूरा बंदा आराम, पूरा बंदा। अच्छा हाँ, मतलब ये क्या है कि अगर आप ऑटोमेटिकली वाली लेते हो तो वो आपका जो है ऑलमोस्ट जो है तो इतनी इतनी है, हाँ, 70-30 खुलती है। अच्छा, इसमें मैं इजीली अंदर जा रहा हूँ, इजीली मैं बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ग्लास का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका प्राइस भी बहुत सस्ता हमने इसका किया हुआ अबकी बारी। ठीक है, सो इसमें आपकी मतलब 24,990 में आपको ये मैनुअल सनरूफ मिलेगी, 25,000 में विद इंस्टॉलेशन के साथ, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो मैनुअल सनरूफ, और किसी भी गाड़ी अर्टिका में भी लगा सकते हैं सेम। और एक चीज और जो है, ये रेकमेंडेड ब्रांडेड है, कोई लोकल नहीं है, जो ऑडी के अंदर आती है, वेबेस्टो की, वेबेस्टो कंपनी की है ये। ठीक है, और कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा कंसील्ड है, मैंने अपने सामने अपनी दुकान पे इंस्टॉलेशन की है। और बंदा जो ये भी सोचता है कि इसमें 2-4 दिन का टाइम लगता है, कुछ नहीं, 2-4 घंटे के अंदर आपका पूरा इंस्टॉलेशन, मैं आपको ये पूरा काम खत्म कर दूंगा। और ये घर में फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, घर पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। ठीक है, और अगर किसी को चाहिए तो वो गाड़ी यहाँ लेके आ सकता है, और अगर ऑल इंडिया सर्विस है इसकी वैसे? हाँ, ऑल इंडिया सर्विस है सर। ठीक है, तो आपको एक बार मैं और चीज दिखा देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, मतलब फील जो है ना, मतलब ये लग नहीं रही है वैगन आ रही है। अरे, बहुत बढ़िया चीज है यार, इसमें देखो ये मैनुअल ग्लास है। ठीक है, एक बार मैं पीछे से दिखाता हूँ इसको, मैं पीछे से दिखाता हूँ, एक्चुअली बहुत इजी ऑपरेशन है। ये टफन ग्लास है भैया? हाँ, ये टफन ग्लास है, टेम्पर्ड है पूरा ये। ठीक है, इसमें दो ब्रैकेट हुक लगे हुए हैं, टिल्ट करने के लिए इसको सिस्टम पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एलएनकी वाले स्क्रू है जो इससे पेस्टेड है ये। ओके, तो निकलने का चांस नहीं है, एक बार मैं बोलूंगा भैया को कि एक बार लगा के जरूर दिखाएं। ये देखो इस तरीके से जो है आपको पहले बाहर निकालना है, फिर नीचे से यहाँ पे ये जो क्लैम दिया हुआ है, इस क्लैम के अंदर जो है दोनों आपको सेट करना है, ये देखो। उसके बाद सीधा आपको जो है यहाँ से सीधा इसको खींचना है, और यहाँ से आपने, मैं कोई दिखाता हूँ। हाँ, ये बहुत इजी ऑपरेशन है, मतलब लगने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाता है ये, और इसके पीछे ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया, ये लॉक हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट से आप टिल्ट करके इसको बंद कर सकते हैं। अब ये देखो, अब हम अंदर बैठ के ना, ये देखो एक तो टॉर तो अलग ही आ रही है, प्लस अंदर बैठ के ये देखो अब बारिश हो कुछ हो, सारे मजे जो हम यहाँ ले सकते हैं, अल्टीमेट यार। मतलब ये भैया, मतलब ये तहलका मचाने वाली है वीडियो, और ये तो टिल्ट कर सकते हैं, टू स्टोरेज में टिल्ट होता है ये, इतनी सस्ती में। मतलब लोग सोचते हैं कि यार मैं कहाँ से, कोई छोटी गाड़ी है, मैं उसमें सनरूफ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई सनरूफ के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो गाड़ी बहुत महंगी आती है, राइट। और भैया ने फुल गाड़ी जो अपनी मॉडिफाई कर रखी है, ये देखो पूरी रूफ ब्लैक है। अच्छा, कोई अगर रूफ ब्लैक भी कराना चाहे तो वो भी आपको पसंद बिल्कुल होता है सर, और ये कार्पेट बेस्ड है। मैं तो इवन मैंने तो जब ये लगाया था, तो मैंने उसके बाद आज मैंने खुद अपना जो कटिंग हुई सब देखा मैंने, तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी जबरदस्त पेस्टिंग थी इसकी। ठीक है, मतलब हमने इंस्टॉल करी है इसकी, कारपेट इसके ऊपर इंस्टॉल किया, बट उसकी क्वालिटी भी बहुत रिफाइन थी। और आप इसको यूज करते हुए भैया को ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ऊपर हो गए, कोई ऐसे नहीं है कि ये नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात कोई वॉशिंग का दिक्कत, ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से डायरेक्टली ऐसे आ रही है, है ना। तो ये देखो, और ये जो भैया ने सेम हम लोग जो लगाते हैं लाइट, देखो दोनों साइड लाइटें हैं, पीछे भी भैया ने लगा रखी है, पूरा समाग जो है वो अजब। मतलब इसके बाद तो अब 4 चांद लग गए, मतलब इसके बाद अब मेरे को लगता नहीं कि ये सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन होती है जो एक कार के अंदर रिक्वायर्ड होती है। बाकी भैया ने गाड़ी बहुत अच्छी सजा रखी है, ये देखो यार, मतलब इसका तो फील जो है ना, इसको और इसका, मतलब गाड़ी एकदम बम बन गई है। ये सीट कवर पीछे की एक बार मैं लुक दिखा दूं, पीछे में भी मैंने सबसे बड़ी बात आपको दिखाऊं, एक और चीज, रियर सीट में आर्मरेस्ट साथ में कप होल्डर के साथ, कप होल्डर है साथ में इसके, और इसमें ये प्रॉपर, मतलब बच्चा बैठ जाए, कुछ हो जाए, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, नॉर्मल बच्चा भी बैठ जाएगा तब भी ये डाउन नहीं होने वाली, मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर लॉक है और ओरिजिनल सिस्टम है इसका। ठीक है, तो ये देखो यार क्या जबरदस्त जो है वो फील आ रहा है यहाँ से, भैया ने गाड़ी बहुत तरीके से मतलब तैयार की हुई है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करें तो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, ये नया प्रोडक्ट जो रहने वाला है, ये देख सकते हो जो जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, स्पेशली यूएस पोलो ब्रांड की है ये, और बहुत ही फिट है ये देख सकते हो, इसमें यहाँ पे पैडिंग दी हुई है, और स्पेशली जो है वो बाइक राइडर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि कुछ ऑफ रोडिंग का प्लान चल रहा है, इसलिए जो है मेरी शॉपिंग जो है वो रेडी है। सो ये जो जैकेट है बहुत अच्छी है, और हवा मतलब विंड चीटर के अकॉर्डिंगली बहुत काम करती है, और बहुत आप इसको स्वेटर के नीचे पहन सकते हो।
सो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और यहाँ पे फोटो भी आपको शो कर रही होगी या इस साइड में शो कर रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हो और अपनी कलेक्शन को बढ़ा सकते हो। स्पेशली जो डिस्काउंट अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम मेंबर के लिए, वहां पे स्पेशली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 40% का डिस्काउंट जो है वो उस पर मुझे मिल चुका है। ये एग्जैक्टली जो कॉस्टिंग पड़ती है इसकी 5499 की, और ये मुझे मिल गया अप्रॉक्सीमेटली 1300 अप्रॉक्स। सो बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो मुझे मिल गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो और अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हो। थैंक यू। अब मैं भाई एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो भैया ने जो है अलॉय लगाया हुआ है न्यू व्हील्स के, और ये सेम कंपनी साइज में ही लगे हुए हैं? नहीं नहीं, इसका मैंने इस गाड़ी के अंदर 13 इंच से ज्यादा एलएक्सआई में, एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट है मेरा ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने 13 से 14 इंच किया हुआ रिम, और उसके बाद मैंने अलॉय डाले हुए इसके अंदर। अच्छा, तो 14 इंच के टायर आपने इसमें डाले? 14 इंच का टायर डाला, 14 इंच का फिर मैंने रिम इसमें डाला। ठीक है, देखो यार ये बेस वेरिएंट रहने वाला, ये देखो यहाँ पे भैया मैनुअल जो है वो आपका, मैं सिंगल हैंड हूँ, मेरे बच्चे बैठते घूमने फिरने जाए तो उसी की। आज एक्चुअली मेरे मेरी डॉटर का बर्थडे है 11th of January। ठीक है, तो कमेंट में आने चाहिए हैप्पी बर्थडे, आप एक बार बेटी का नाम जरूर बोलो भैया। मेरी डॉटर का नाम है आकृति, कियाना। आकृति भी है, वो बड़ी डॉटर है, उसका 13 को है और आज एक 11th date है। 11th. तो 11 जनवरी और 13 जनवरी ये दोनों जो है बेटी जो है उनका बर्थडे है, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बोलना। तो उसको मैंने आज ये गिफ्ट करना है, मैंने कहा भाई तेरे लिए मैं तेरे को घुमा के लेकर आऊंगा। तो आज ये सनरूफ पे जो है भैया इसकी मैं बोलूंगा कि वीडियो जो है वो जरूर आप मुझसे शेयर करना, जिसको मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा आपको टैग करके, और जितना हो सके कमेंट जरूर करना दोनों बेटियों के लिए। और बहुत अच्छा जो है वो गाड़ी लग रही है, मतलब इंटीरियर पार्ट से बैठते ही ना गाड़ी में एक अलग फील आ जाती है कि यार ये क्या बम और बवाल चीज मचा रखी है। और इसको कोई कह नहीं सकता, ओनली वन इन इंडिया ही वैगन आ रहा है जिसमें पहली सनरूफ जो है वो लगी हुई है। सनरूफ ऐसा मैंने लगा रखा है, पीछे सेंटर आर्मरेस्ट है, किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, ये डुअल टोन स्टीयरिंग में भी लगा रखा है। और आई थिंक मेरे को लगता भी नहीं है कि पूरी यूट्यूब में भी किसी ने भी जो है वैगन आर के अंदर जो है ये चाहे पुरानी हो चाहे नई हो सनरूफ किसी ने लगा रखी। मैंने देखो बहुत बड़ी, मेरे को कस्टमर ट्राई करता है कि मेरे को सस्ती मिल रही है, वो सब सेकंड हैंड होती है, कटी फटी गाड़ी में से मिलती है, एक्सीडेंटल में से मिलती है। तो मेरा ड्रीम था कि यार मुझे सनरूफ लगानी है, और अब ये देखो आगे, आगे लगानी है। अब आप ये देखो, मतलब ये बहुत ही अच्छा, एक तो इंटीरियर से पूरा मैच कर रहा है, साथ ही साथ कहीं कोई ऐसी फील नहीं हो रही है, पूरा ऐसा कोई गैप और लीकेज का भी कुछ नहीं है, 2 साल की वारंटी भी देती है कंपनी लीकेज की, ठीक है। और ये देखो पूरी रबड़ पेस्टिंग के साथ है, यहाँ पे कोई नहीं है। इसका आई थिंक जो कटा हुआ पार्ट है वो भी एक बार हम दिखा देते हैं, है ना, जो भैया जो मैनुअली यहाँ पे बंदा लगा के गया और आज ही इंस्टॉल हुई है, ये मैंने अपने पास ही अपनी शॉप के ऊपर इंस्टॉल कराई है। और काम देख लो कहाँ होता है सारा, कार्लीबाज जो मैंने रेकमेंडेड है हर चीज के लिए, अर्टिगा ऑलरेडी रेडी हो रही है, इसकी भी वीडियो जो है बहुत जल्दी जो है आप लोग को देखने वाली आता है, इस वीडियो से पहले देखो या इस वीडियो के बाद में देखोगे, बट इस पे भी जो है कई लोगों के शिकायतें रहती है कि पुरानी वैगनार पे सॉरी पुरानी अर्टिगा पे आप लोग जो है वीडियोस लाते नहीं, तो आज जो है स्पेशली डिमांड पे हाई डिमांड पे पुरानी वैगनार आई है। और किसकी गाड़ी रहने वाली आप आई बटन लिंक पे देख सकते हो, इनकी ऑलरेडी गाड़ी रेडी हो चुकी है, उसी बेस पे ये पुरानी अर्टिगा जो है वो लेके आया है और बहुत अच्छी गाड़ी जो है ये तैयार हुई है। भैया एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, एड्रेस बता दो, अगर किसी को भी ये वाला काम कराना है तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? ये सनरूफ लगाने हैं या कुछ भी इंटीरियर से मॉडिफिकेशन कराना है, आप मेरा मोबाइल नंबर है 9811632352 और मेरा एड्रेस है 8225 करमपुरा। कई लोगों की शिकायतें रहती है कि जो आपको जैसे कभी नंबर जो आपका दूसरा नंबर है एक बार वो भी आप जरूर बताओ। हाँ, मेरा एक मोबाइल नंबर है 9906323352। दोनों नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन है, आपका जो पहला नंबर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है वीडियो पे भी। और कई लोगों की शिकायतें रहती है कि लोकेशन जो है वो समझ नहीं पाता, तो हम सिंपल सा एक आपको लॉजिक बताते हैं कि आपको सीधा डालना है मिलन सिनेमा, और मिलन सिनेमा के एकदम आके आपको भैया को फोन करना है वहां से। मेरी शॉप के बिल्कुल अपोजिट महावीर भवन है, बाहर एक बार दिखाऊं? हाँ एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो महावीर भवन जो है, मैं इधर से दिखाता हूँ, देखो महावीर भवन अगर आप डालोगे तो एकदम शॉप के सामने आप पहुंचोगे, आपको लोकेशन ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये गवर्नमेंट ऑफिस है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली जो है वो पहुंच सकते हो, और गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है अलॉय के साथ, साथ ही साथ इसमें भैया ने आई थिंक ABS किट भी लगा रखी है जिसको हम डिफ्यूजर किट बोलते हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल रहती है, रेगुलर देख लो चारों तरफ से जो है जो बेस वेरियंट लेते हैं LXi मॉडल उसमें ये जो है बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ ये देखो यार पूरी व्हाइट लाइटें जो है भैया ने लगा रखी हैं, और बहुत अच्छा ये वाली ये सेम येलो में है, और इसके अंदर आप वाइट भी कर सकते हो, DRL के साथ है, बहुत अच्छा जो है ये लुक नज़र आ रही है। चारों तरफ से देखो पूरी बॉडी किट जो है भैया लगी हुई है, तो ये बॉडी किट भी अवेलेबल है भैया? हाँ, और जेन्युइन एक्सेसरीज में एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, इसका ओरिजिनल स्पॉइलर मेरे पास अवेलेबल है, मैं एक बार स्पॉइलर भी दिखाता हूँ, ये देखो
ये देखो ये इसका कलर जो है भैया ने थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस लगाया है, बट एक्चुअली क्या है मैंने टू टोन में बनाई हुई, क्योंकि जो बॉडी किट का जो पार्ट आता है इसका, अच्छा, जो बैक पार्ट है उसकी मैंने थीम दी हुई है थोड़ी, ठीक है। तो ये देखो ये सिल्वर ये भी है, तो इसलिए भैया ने ये वाला सिल्वर स्पॉलर दे दिया है। बाकी किट पूरी अवेलेबल है और प्राइजेस के लिए जो है भैया को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग वीडियो पे इसलिए प्राइजेस कवर नहीं करते, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग प्राइस नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंगली प्राइजेस थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो बंदे बोलते हैं कि आपने पुराने प्राइजेस ये बताया हुआ है। देखो एक चीज बोलता हूँ, ये जेन्युइन एक्सेसरीज है, जेन्युइन का मतलब जेन्युइन है, ट्रू कॉपी 100% जेन्युइन है, ठीक है। इसकी पेंट की क्वालिटी और इसकी फिटमेंट की क्वालिटी सब जेन्युइन है, बॉडी किट जेन्युइन मींस कोई आफ्टर मार्केट का प्रोडक्ट नहीं। और ये इतना एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि गाड़ी से अगर आपकी कहीं लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का आपका काम करती है। तो गाड़ी एक्चुअली बहुत प्यारी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। कॉन्टैक्ट करना है भैया को, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया को कमेंट करके परेशान कर दो कि मुझे ये गाड़ी काम करना है। मेन तो मेरा मोटो है सनरूफ पे इंस्टॉलेशन। हाँ, अब हमने अर्टिका पे काम तो बहुत किया, जो आने वाली वीडियोस आती रहेंगी, बट आपको अब सनरूफ के लिए भैया को कांटेक्ट करना है, और ऑल इंडिया से जितनी क्वेरीज है वो भैया को कांटेक्ट करो, भैया आपको अरेंज करवा के देंगे। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें और वैगनआर के अंदर आने वाली है, जो साइड फोल्ड जो मिरर है वो तक भी लेके आएंगे, और बहुत सी चीज़ें जो लेके आएंगे, धीरे धीरे वीडियोस इसकी आती रहेंगी। तो आज का जो मेन मोटिव था वो था सनरूफ दिखाना और इंटीरियर मॉडिफिकेशन जो कराई है वो दिखाना। तो करते हैं वीडियो को एंड भैया, और इसी तरीके से प्यार जो है वो बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम हैंडल भैया का है कार्ली बास के नाम से, वो भी मेंशन किया हुआ नीचे, भैया कॉन्टैक्ट करें और सनरूफ लगवाने के लिए थैंक यू रेडी रहे। थैंक यू।